ऑडी, लैम्बोर्गिनी, पोर्शा, जेट्टा, क्यूप्रा, इन सभी कार कंपनियों के बारे में आपने सुना होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सभी कंपनियों को एक ऐसी कंपनी ओन करता है जिसके बारे में कई लोगों को पता तक नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ जर्मन कार ब्रांड वॉक्सवैगन ग्रुप की, जिसके अंडर एक दो नहीं पूरे के पूरे 10 कार ब्रांड्स आती है, जैसे कि बेंटले, पोर्शे, लैम्बोर्गिनी, ऑडी, बुगाटी, डुकाटी, स्कोडा और भी कई सारे कंपनीज। लेकिन अब सवाल यह है कि वॉक्सवैगन ने आखिर इतने सारे कार ब्रांड्स को क्यों लॉन्च किया? तो इसका जवाब बहुत सिंपल है, क्योंकि वो लोग पूरे मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं। पोर्शे, लैम्बोर्गिनी, बुगाटी की अगर बात करें तो ये अल्ट्रा रिच लोगों को टारगेट करती है। इसके बाद ऑडी और बेंटले की अगर बात करें तो ये उससे कम रिच लोगों को टारगेट करती है। और अंत में वॉक्सवैगन और स्कोडा जैसे ब्रांड्स एक बड़े मार्केट को टारगेट करती है जिसमें आप और हम जैसे मिडिल क्लास लोग शामिल हैं। और इसी मल्टी ब्रांड स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके वॉक्सवैगन आज ऑटोमोबाइल मार्केट का 6.7% कैप्चर करता है। इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।